आपका जो भी फेवरेट एडुकेटर है वो अपना लिंक फॉरवर्ड करेगा सेशन का और आप सीधा ऑन सिंगल क्लिक ज्वाइन कर लेंगे बच्चों ये हमारे क्लास के नोट्स जो है वो इस क्यू आर कोड को स्कैन के कर लो आप आप डायरेक्टली क्लास नोट्स तक पहुंच जाओगे आपको उसमें भी ज्यादा कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा ठीक है बच्चों डिजिटल वीडियो बुक स्कूल एग्जाम्स के लिए है अगर आपका बेटा स्कूल एग्जाम्स को एक तो सीरियसली लेना क्योंकि सीबीएसई का नया अपडेट आ गया आई होप एवरीबडी नो अबाउट दैट सी का नया अपडेट आ गया है और आप प्लीज़ टेक योर स्कूल एग्जाम्स वेरी सीरियसली और आपके स्कूल एग्जाम्स में आ, अगर कोई ऐसा चैप्टर आया है जो मैम ने नहीं पढ़ाया है अभी तक तो आप डिजिटल वीडियो बुक रेफर करके उसको अच्छे से ज़रूर दें एग्ज़ाम को एग्जाम में लापरवाही ना करें उसके अलावा बच्चों दिस इज़ माई फ्री सेशन का शेड्यूल जिसके अंदर आपका ये वाला जो सिंबल है दिस इंडिकेट्स यूट्यूब की क्लास दिस इंडिकेट यूट्यूब की क्लास और अनकेडमी इंडिकेट्स अन की लर्निंग एप वाली क्लास ठीक है तो 12th का हमारा फ्री क्लासेस का शेड्यूल है रात को नौ से दस बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे जिसमें हम अभी ट्वेल्थ क्लास के लिए अपने की पे, एक वीक के दो फ्री सेवेंटी फाइव मिनट्स के ईच इसके टाइम स्लॉट क्या है मैं बताती हूँ एक तो है आपका मंडे जो आज हुआ है इसमें हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो दो से सवा तीन बजे तक और एक थर्सडे दो से सवा तीन बजे तक तो टोटल मिला के मैंने फ्री सेशन में आपकी पाँच क्लासें लगा रखी हैं तीन होंगी यूट्यूब पर दो होंगी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर उसके अलावा क्लास इलेवंथ का शेड्यूल जो है वो तो आपको अगर आप अटेंड करना चाहें अगर आपको लग रहा है कि हमारी इलेवेंथ अच्छी नहीं है आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो अन के मतलब यूट्यूब चैनल पे मैं चार से पाँच ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को इलेवेंथ लेती हूँ और ऐप के ऊपर वेंसडे और संडे को

ठीक है तो पहले हम बेस को मजबूत करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो साथ साथ आप ये क्लासेस अटेंड करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये वीक में दो हो रही है तो आप समय निकाल के आ सकते हैं इससे आपको पता भी नहीं चलेगा तीन चार महीने में ओ वाओ ऑर्गेनिक हो जाएगी कि यार ऑर्गेनिक कितनी अच्छी होगी ओ वाओ, ये फीलिंग आ जाएगी आप आइए जरूर आके देखिए आज का डाउट आज का डाउट फीचर की लर्निंग ऐप पे आ चुका है जहां पे आप समय नहीं देखें कुछ नहीं देखे दिन देखे ना रात देखें डाउट आया है फोटो स्निप करें और कहा कर दें लर्निंग ऐप पे अपलोड कर दे फीचर में बेटा प्लस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं प्लस लर्निंग ऐप का पेड है यू कैन इमेजिन अगर अपन फ्री सेशंस में इतना कंटेंट में मेहनत कर रहे हैं सभी एडुकेटर्स कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन परचेज करके ऐप पे आते हैं उनके लिए एडुकेटर्स किस लेवल पे एफर्ट लगा रहे हैं। हर हर एडुकेटर का यही आ, सपना है यही चीज है यही टारगेट है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो हैं वो बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और इसके लिए एडुकेटर्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मतलब पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं अन अकेडमी की तरफ से पूरे एफर्ट्स है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें अपना भी नाम रोशन करें अपने पेरेंट्स का भी और अन का भी हमारा भी ठीक है तो उसके लिए मैं भी प्लस पे पढ़ाती हूँ प्लस पे आप आते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको होमवर्क रेगुलरली मिल जाएगा आपको रेगुलरली मिलेंगी आपको बहुत ही इतमीशन से डेडिकेशन से क्लासरूम कोचिंग का माहौल मिलेगा है ना आपके टेस्ट रेगुलर होंगे और आपको जितना वर्कशीट दिया जाता है और उसके अलावा भी अगर आप कोई रेफ्रेशर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जहां जहां आप अटकते हैं आपसे कोई सवाल नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक होता आप बेधड़क डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं वैसे जो ऑफलाइन होती है उसमें डाउट क्लासेस इतनी नहीं होती

यहाँ पे आप बिहाइंड द स्क्रीन हैं तो आपके मन में जो भी डाउट आए आप बिल्कुल बिल्कुल वेदधारकों के पूछिए मतलब इसमें आपको कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है आप बस पढ़ाई करें अच्छे से और अगर आप हमारी दी गई गाइडेंस हमारे दी गए रास्ते पे प्रॉपर चलते हैं आप कंफर्म मानिए कि आपके 100 में से 95 प्लस की आना तय है अब और कितने आएंगे हंड्रेड आएंगे? आएंगे वो मैं नहीं जानती हूँ बट नाइन फाइव प्लस आना तय है क्योंकि सारे एडुकेटर्स इस दिशा में काम करते हैं ठीक है अलगोरेदमीडमी के सब्सक्रिप्शन का ऐसा है मैं भी पढ़ाती हूँ अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे, पे पेड सब्सक्रिप्शन में जहां मेरी क्लासेस ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को लगती है और टाइम मेरा छह से सात है अमेजिंगली ब्यूटीफुल तरीके से क्लासेस आगे बढ़ रही हैं और बहुत मजे आ रहे हैं हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ाती हूँ मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स इक्वेशन पढ़ाया था बच्चों को सिर्फ नर्स इक्वेशन लिखने के लिए अलग वर्कशीट दी गई है तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक की गर्त में डेप्थ में घुस के उस उसपे बच्चों की कमांड डेवलप करवाते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे ये सब फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड आगे बढ़ेंगे अगर आप जेई नीट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मौका मिलता है देश के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का टॉप मेंटर से पढ़ने का जो रैंक प्रोड्यूसिंग मेंटर्स है जिन्होंने

एक एवरेज फैमिली का बच्चा एक मॉडरेट फैमिली का बच्चा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है इंजीनियर बन सकता है आपको सिर्फ पढ़ना है ये काम आपको करना है बाकी सारे काम हम करेंगे यू आस्केट वी हैव इट वी जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको दे आर वेरी वेरी गुड मेंटर्स एंड आप उनकी सर्विसेज सिर्फ प्लस प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं इसके लिए आपको वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसके चार्जेस सिर्फ थर्टी फोर था लाइव रेफरल कोड लगाने के बाद कौन सा एमबी लाइव एंड नो कॉस्ट ई एम आई पेड एट्रेड एंड जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता तो उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप चाहते हैं मैम हमको एनसीईआरटी भी बहुत सॉलिड करनी है और हमको इन टीचर्स से भी पढ़ना है हम तो पूरी तरीके से तैयार है तो बेटा कॉम्बो ले लो जिसमें आपको हमारी एक्सेस भी मिल जाए ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत सॉलिड करवाएंगे हम लोग ठीक है तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो आइकॉनिक में वही एक साल का सब्सक्रिप्शन एट थाउजेंड का एम बी लाइव लगाने के बाद दिस इज अ वेरी गुड थिंग इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है जो आपका टाइम uh, टेबल बनाता है स्कड्यूल बनाता है मतलब ही एवरीथिंग फॉर यू 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 हैव फोन नंबर कैन कॉल ए एनी टाइम योर पेरेंट्स कैन कॉल एनी टाइम एंड डेफिनेटली आपको एक कंधे पे एक हाथ महसूस होता है कि हाँ देर इज समन टू टेक केयर ऑफ मी यू टेक आइकॉनिक एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन यू हैव एक्सेस क्लासेज ऑल द डाउट डिस्कशन क्लासेस प्लस यू हैव अ बंदा फॉर एडमी जिससे फोन पे बात करके आपको अच्छे से सुकून महसूस हो कि इज इज हु टेकिंग केयर ऑफ मी तो यू कैन टेक दैट सब्सक्रिप्शन एंड अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें एनसीआर बहुत सॉलिड करना चाहते हैं तो सीबीएसई ट्वेल्थ कैटेगरी सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन में जाए एक साल का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं पंद्रह महीने का भी कर सकते हैं और उस पर कोड लगा दें एम बी लाइव एम बी लाइव कोड लगाते ही, ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तेरह हजार पांच सौ का

गुड इवनिंग बच्चों हाय दिव्या दुबे हाँ हाँ दिव्या मैं वो वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगी डोंट वरी तुम कह रहे हो लिखना कैसे है वो भी बता दूंगी हेलो स्वीटी मिश्रा हेलो विशाखा हाय बादल चलो हाय उत्कृष्ट उत्कृष्ट कह रहे मैं सोच रहा हूँ तो मैम को मार्क्स से फॉलो कर रहा होगा वो ट्वेल्थ में पीएचडी कर लेगा

एंड कंसनट्रेशन ले लो आप कंसनट्रेशन रेस टू द पावर कंसनट्रेशन क्या लिखें कंसनट्रेशन को ए लिख देते हैं रेस टू द पावर वन अगर इफ़ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसनट्रेशन रेस टू द पावर वन तो अगर आप कंसनट्रेशन को क्या कर दें कंसनट्रेशन को अगर आप डबल कर दें डबल कर दें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है रेट टू इज इक्वल्स टू के ये देखो ये टू मैं बाहर निकाल दूंगी एक सेकेंड यहाँ मैं व्हाइट पेन ले, ले लेती हूँ हाँ इस टू को मैं बाहर निकाल देती हूँ पावर, पावर वन ठीक है वट इज के ए पावर वन दिस इज आर वन सो आई कैन से दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज में करेंगे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट टू मतलब फाइनल रेट इज ट्वाइस ऑफ फाइनल रेट इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेट इफ यू डबल द कॉन्सेंट्रेशन सपोज यही चीज मैं किसमें ले लेती हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ले लेती हूँ सेकेंड ऑर्डर प्रॉपरली रिविजन करेंगे बच्चों ऑर्डर की फील नहीं आएगी तो आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी ठीक है सेशन को लाइक कर देंगे एक रिविजन ले रहे हैं रेट वन अगर हम कहें कि K कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर टू है और ऐसे में अगर मैं इनिशियल ऑफ द रिएक्टेंट को सपोज डबल कर देती हूं, तो रेट बदल जाएगा जाहिर है तो रेट क्या हो जाएगा K, K, 2A, को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया तो टू ए रेस टू पावर स्क्वायर नाउ व्हाट विल आई डू रेट टू इज इक्वल्स टू इस टू के स्क्वायर को मैं बाहर निकाल के ला रही हूँ टू के स्कोयर को मैं बाहर निकाल के ला रही हूँ एंड मैं लिख रही हूँ के

केमिकल कार में और अगर आपको डेरिवेशन करना नहीं आता है ना तो आप ग्राफ नहीं कर सकते दैट इज फॉर श्योर ठीक है डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं आता है बट ग्राफ डेरिवेशन की किसी भी स्टेप पे सवाल आ जाता है तो आपको फटाफट आपका हाथ चलना चाहिए डेरिवेशन में तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लेते हैं ठीक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं रेट लॉ कैसे लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट

आपको पता होना चाहिए कि जब टाइम टी जीरो होता है तो जो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रिएक्टेंट यानी रिएक्शन इनिशियल ठीक है हुआ, तो व्हाट इज वैल्यू को मैं फीड करूंगी जीरो रिएक्शन में तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट

रेट इज इक्स टू क्या तुम्हारा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कॉपी में फटाफट से नोट कर लेंगे बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कॉपी में नोट कर लेंगे जल्दी से ठीक है इजिली समझ में आ रहा है मैम ये चैप्टर कंप्लीट होने में कितनी क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर में बचा सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस चैप्टर में बचा हमारा हाफ लाइफ इसमें बचा आर हाइनस इक्वेशन आई थिंक फोर क्लासेस तो लगनी चाहिए फोर क्लासेस से कम में तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होगा फाइव भी लग सकती है पर फोर तो लगेंगी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया एंड मुझे फटाफट -फ़ड़ से नोटेड कर दें या थम्स अप कर दें इन द चैट बॉक्स की आपने ये एक्सप्रेशन नोट कर लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के के की वैल्यू नोट कर ली जल्दी जल्दी करें आज बहुत सारा प्रैक्टिस करना है हमको अरे बेटा साइंस क्लब कर लिया और सेशन को जल्दी से लाइक भी करें थैंक यू रोहित कुशवाहा जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करें नोटेड ओके स्वीटी आज मेरा कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है पता तुमको मैंने बताया था आज स्पेशल क्लास में तो आज थोड़ा हल्की सी ये हल्का सा ये वहां में दर्द हो रहा है तो ये बहुत ऊपर नहीं उठ रही है ताकि बच्चों तक तुम लो कर पर आप लोग को मैं पहले ही बता रही हूँ बेटा आपका जो सीबीएसई की तरफ से फाइनल क्राइटेरिया आया है वो यह है कि पिछले साल ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बच्चों में पूरे साल कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं रहा गवर्नमेंट ये नहीं चाहती सीबीएसई ये नहीं चाहती कि 2022 में वही स्टोरी रिपीट हो ठीक है इसलिए इन्होंने अभी से ही फैसला कर दिया है इन्होंने कहा है बोर्ड एक बार ही एग्जाम लेगा ही नहीं इस बार दो बार लेगा क्योंकि पिछली बार भी अगर ये सही समय पे एग्जाम कंडक्ट करवा लेते कयास लगाते रह गए कोविड ठीक हो जाएगा कोविड ठीक हो जाएगा दो तरह के लोग कयास लगाते रह गए एक तो जिनको शादियां करनी थी तो उनको भीड़ बुलानी थी तो वो कयास लगाते रह गए कि कोविड जाएगा तब शादी करेंगे कोविड जाएगा तब शादी करेंगे तो घूमने जाएंगे शादी करेंगे वो हो ना पाया फिर वही बात तो खराबी हो गई उनकी और एक बच्चों के एग्जाम कोविड जाएगा तब एग्जाम लेंगे गया भी सही बीच में फिर भी एग्जाम डिले हो गए बीच में ऐसा टाइम आया था मार्च के टाइम इतना कोविड इफेक्ट नहीं था लेकिन एग्जाम डिले हो गए वो मई में हो गए तो बच्चे ने पूरे साल झेला है ठीक है ट्वेंटी के बच्चे नहीं झेले इसलिए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार बोर्ड फाइनल एग्जाम सिर्फ एक बार नहीं लेगा दो बार लेगा तो एक बार आपके टेस्ट जो है वो नवंबर के आसपास होंगे अक्टूबर के आसपास और अगला आपका जो टेस्ट है वो कब होगा मार्च अप्रैल में होगा तो दो बार होगा पहला भी वन एंड हाफ आर का है और दूसरा टू आवर्स का करने की स्कीम चल रही है पहले वाले टेस्ट में सिलेबस आएगा वो बोर्ड ही 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 कंडक्ट करवाएगा बोर्ड 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 के होंगे बोर्ड की टीम होगी बिल्कुल आपका एग्जाम होगा अभी हाफ होगा स्कूल में ठीक है और सेकंड वाला भी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा अब सेकंड वाले में क्या सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें बदल सकती है लेकिन आधा आधा कंटेंट आएगा फर्स्ट टर्म जो आपका होगा अभी जिसमें फिफ्टी सिलेबस आएगा उसमें सर्शन रीजन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और केस स्टडी आएंगे तो आप बिल्कुल तैयारी कर ले और इस बार शुरू से ही डटे रहें कि स्कूल जो भी एग्जाम ले रहा है हमें उसमें पूरे नंबर लाने हैं क्योंकि जो एग्जाम आपका स्कूल अब लेने वाला है वो एक्चुअली पूरे सुपरविजन में होगा सीबीएसई के सीबीएसई के इवेलुएशन सीबीएसई के सुपरिटेंडेंट्स आएंगे सीबीएसई की टीम बनेगी आपके एक्सटर्नल्स आएंगे सिर्फ स्कूल कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी स्कूल कुछ भी इसमें स्कूल की वजह से कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं होगी पूरा कंडक्ट सीबीएसई खुद करवाएगा पेपर भी सीबीएसई बनाएगा जो कि स्कूल को भेजेगा स्कूल वही पेपर कंडक्ट कर सकता है जो सीबीएसई बना के भेजेगा लेकिन बहुत डिफरेंट बात है कि 2022 ट्वेंटी टू का बोर्ड एग्जाम इस बार दो बार होने वाला है डेढ़ घंटे का अभी होने वाला है और फिर बाद में ठीक है बच्चों इज इट क्लियर सबको सेशन को लाइक कर देंगे एंड इसका वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ इस सेशन के तुरंत बाद आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि किस किस में कैसे कैसे तैयारी करनी है मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है स्कूल एग्जाम्स को लाइटली ना लें क्योंकि हो सकता है वो बहुत तगड़े तरीके से इवेलुएशन में उसका रोल हो ठीक है स्कूल एग्जामिनेशन का कोई भी एग्जाम्स फुल लेता है डोंट टेक इट लाइटली ठीक है बच्चों चलो आगे प्रोसीड करते हैं ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया अब हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने ये पढ़ा था कि जो रेट लॉ बनता है वो बनता है माइनस डी आर बाई डी टीवल टू के कंसेंट्रेशन रेज टू दावर वन इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से पढ़ाई कर लो अभी आधा सिलेबस तो तुम्हारा अब अपकमिंग आ ही रहा है तो इस आधे सिलेबस को अच्छे से करो जब जब मैं प्रीमियर लगाऊंगी प्रीमियर अटेंड करना अगर कोई चैप्टर का मैं प्रीमियर रात में लगाती हूँ फ्राइडे रात को सैटरडे रात को मतलब रिकॉर्डेड सेशन लगाती हूँ वन शॉट का उसको तर, बिल्कुल अच्छे से देखना और उसकी क्विजेस वगैरह मैं स्पेशल में कंडक्ट करवाऊंगी ठीक है ओके सो okay. so, ये हो गया हमारा अब हम क्या करेंगे माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू के डी टी ठीक है या फिर इस माइनस को इधर से हटा के इधर लगा देते हैं फिर हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आगे क्या आएगा एल एन आर ठीक है ये मैंने बताया था ना डी गोबर अपॉन गोबर का इंटीग्रेशन होता है एल गोबर ठीक है तो ये पूरी चीज तो वैसे ही जीरो हो जाती है क्योंकि टी जीरो पोर्शन जीरो हो गया और कंसेंट्रेशन जो होती है ये जो सी की वैल्यू होती है वो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है इनिशियल कंसेंट्रेशन ठीक है तो ये एल ये हो जाएगा आपका Constant की वैल्यू हो जाएगी एल एन आर नॉट तो चलो मैं इसको आगे फीड कर देती हूँ लिख से. मुझसे लिखवा लो कि इस डेरिवेशन में से बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा और अब तो बोर्ड्स की बात अभी होगी क्योंकि तो बोर्ड्स तो आने वाले हैं तुम्हारे अब तुम्हारे बोर्ड्स में मार्च अप्रैल में थोड़ी है तुम्हारे बोर्ड्स तो आने वाले हैं ठीक है सो एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट अब मैं क्या करने वाली हूं मैं माइनस के टी को उधर फेंकने वाली हूं तो ये प्लस के टी हो जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी इजिक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी तो के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर ठीक है इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल ये log base e है तो log base 10 क्या हो जाएगा log base 10 होता है बेटा log base e जो है उसको log base 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 log base 10 अपॉन t r not अपॉन r तो ये हमारी बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है जो यहाँ लिखी है आज इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी इस इक्वेशन को कैसे रीड करना है सुनिए इस एक्सप्रेस इस इक्वेशन को पढ़ने का क्या मेथड है इस इक्वेशन को पढ़ने का मेथड है कि कोई ऐसी रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है उसको टी समय लगता है और अगर उसका रेट कांस्टेंट के है तो उसको टी समय लगता है इनिशियल कंसेंट्रेशन से फाइनल कंसेंट्रेशन में बदलने में एक रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे वक्त के साथ कम होने लग जाती है तो अगर आप माने कि इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट थी और फाइनल कंसेंट्रेशन आर है आर so, नॉट को आर होने में टी समय लगता है इफ द रेट कॉन्स्टेंट इज के ऑर्डर आई होप इट इज क्लियर आर नॉट लगता है रेट अगर है है तो ठीक है? जितनी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डी के होती है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है विच मींस कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है पिछली बार हमारी जो क्लास थी मैंने आपको बताया था कि सभी लोगों में सी फोर्टीन पाया जाता है जिंदा लोगों में कंजम्पशन भी होता रहता है और डीके भी होता रहता है इस वजह से ट्रीज हो गए इंसान हो गए जानवर हो गए सब में हड्डियों में लकड़ियों में सी फोर्टीन का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है और यूनिवर्सली फिक्स्ड होता है लेकिन जब कोई इंसान या पेड़ या जानवर मर जाता है और सपोज करो उसकी जो हड्डियां हैं या पेड़ के जो लकड़ियां हैं वो जमीन में दफन हो जाती है तो उसमें सैंपल का सी फोर्ट सी फोर्टीन कंसेंट्रेशन ये रहा और एक मरे हुए सैंपल का सी फोर्टीन कंसेंट्रेशन पता लगाया जा सकता है वो ये रहा कितना समय लगा वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि के की वैल्यू नोन होती है के हमें पता होता है वही टाइम उस सैंपल की एज होता है हम कहते हैं ना उस खुदाई में पंद्रह सो साल पुराना सैंपल मिला पंद्रह सो साल पुरानी हड्डियां मिली दो हजार साल पुरानी लकड़ियां मिली आर्क्योलॉजिकल आर्टिफेक्ट बोलते हैं इनको तो ये क्या इनकी एज कैसे पता चलती है इन की इनकी एज पता चलती है इस टी से कॉन्स्टेंट हमको पता है सी फोर्टीन एक जिंदा में कितना है और मरे हुए में कितना है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे इसकी जगह तो छुटी नहीं हाँ इस क्वेश्चन को करेंगे जरा फटाफट से रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब मैं एक तो तुमको वैल्यूज भर के दिखाती हूँ एक क्वेश्चन की वैल्यू मैं तुमको भर के दिखाऊंगी और फिर तुम खुद प्रोसीड करना ठीक है मैं थर्टी थर्टी सेकंड लग दूंगी तुम्हें रेट कॉन्टेंट फॉर अस्टर के की वैल्यू क्वेश्चन को गंदा कर देना क्वेश्चन को गंदा कर देना ठीक है तो ये के वैल्यू वेन द इनिट्रेशन ऑफ एज इतना ये क्या चीज है आर नॉट है मतलब वो टाइम पूछ रहा है हाउ लोंग

तो देखिए ये फाइनल कंसेंट्रेशन आ रहा है अब मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख रही हूँ इक्वेशन के लिए मैं तुम्हें तो सिर्फ दो दिन का वक्त दे रही हूं लर्न कर लो जैसे लर्न होती है वैसे लर्न कर लो इस इक्वेशन में से गारंटीड सवाल आएगा ये किसी भी किताब में लिख लेना अगर नहीं आया ना मेरे पे केस कर देना ठीक है ये कुछ, ये इक्वेशन पे गारंटीड तुम्हारे अपकमिंग जो बोर्ड आने वाले हैं ना अक्टूबर में या जब भी आने वाले हैं अभी वीडियो में बताऊंगी मैं कब आने वाले हैं उसमें इस इक्वेशन में से हंड्रेड क्वेश्चन आएगा चलो लिखते हैं हम लिखेंगे हमें क्या निकालना है हमें के टी निकालना है तो टी इज इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ जस्ट हैव अ लुक ऑब्जर्व अच्छा करिए बी ए गुड ऑब्जर्वर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में से एज इट इज टीप नहीं है और मिनट इनवर्स को मैं मिनट में ही लिख देती हूँ टाइम हमारा मिनट में आ जाएगा ठीक है के की यूनिट अगर मिनट इनवर्स है तो टाइम मिनट में आएगा तो जीरो पॉइंट जीरो हम ये ना भूलें कि हमारा आंसर मिनट में आने वाला है off, .15 और काटेंगे, तो थ्री फाइवीन होता है विच मीन लॉग फाइव अब लॉग फाइव की वैल्यू कितनी होती है लॉग फाइव की वैल्यू होती है जस्ट गिव मी सेकेंड पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन लॉग फाइव की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन तो यहाँ से आप log फाइव को सॉल्व कर लें इज इक्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एट नाइन क्या आंसर आया बेटा टाइम जो आएगा वो मिनट्स में आएगा क्या आंसर आ रहा है जल्दी से रिपोर्ट करें आ, दिव्या log एंटी लॉक मोनिका मैम यूट्यूब पर टाइप कर रहा मैंने बहुत अच्छा सेक्शन दिया हुआ है रिकॉर्डेड है पर एकदम टेक्निक सारी क्लियरली समझ में आएंगी लॉग एंटी लॉग मोनिका मैम यूट्यूब पर सिर्फ इतना टाइप करना मैंने बहुत अच्छा सेशन लिया हुआ है <coughs> कितना आ रहा है टू पॉइंट सेवन टू मिनट्स आ रहा है स्वीटी मिश्रा का और किसी का आंसर हेमंत का आ रहा है नाइनटीन पॉइंट सिक्स बेटा मेरा मेरे पास जो आंसर रिपोर्टेड है वो नाइनटीन पॉइंट है मतलब सिक्स अरे क्या क्या लिखे जा रहे हो आंसर नहीं दे रहे हो <laughs> थैंक यू दिव्येंदू सिंह पार्टी ट्वेल्थ पिछली क्लास में तो मस्ती कर रहे थे मैम मैं पहली बार आया हूँ फर्स्ट लाइव क्लास है मेरी श्रुति बंसल आंसर इज करेक्ट श्रेया आंसर इज करेक्ट नामिका आंसर इज करेक्ट थैंक यू दिया व्हाट्सएप नंबर मेरे मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ बेटा आशीष लोधी आप मुझे अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं और मुझसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो अन अकाडमी के लर्निंग ऐप पे मैसेज ऑप्शन है वहां से मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हाँ आप तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं अब तुम उस स्थिति में आ जाओ और मैं तुम्हारे वन शॉट्स लगाने वाली हूँ फ्राइडे सैटरडे को रिकॉर्डेड लगाऊंगी अभी तो फिलहाल ठीक है अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डेड लगाऊंगी रिविजन पर्पज से ठीक है तो वो जरूर से जरूर सब बच्चे अटेंड करो और मुझे बता दो मतलब तुम मुझे बताना कि मैं या तो उसको सीक्वेंस में सिलेबस को एक सीरीज को स्टार्ट करूंगी तुम्हारे लिए ठीक है है तो हम हम सिलेबस जो है वो अपकमिंग तीन महीने में करने वाले हैं और उसी उसी को रिवाइज करेंगे लेट सीबीएसई डिसाइड की पहली फर्स्ट बुक आ रही है या क्या आ रही है तो हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉपरली मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगी तुम लोगों के लिए ठीक है तो हमारा आंसर है मिनट्स मिनट्स अभी थोड़ी देर बाद इस क्लास के बाद मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ वो भी देख लेना और उसको शेयर भी कर देना रेडियो एक्टिव डिस अरे वाह बेटा दिव्या क्या आ रहा है सिलेबस में तुम्हारे थैंक यू ममता यादव क्लासेज एंड क्लास शुरू करने से पहले एंड करवाने की बातें करते हैं ये लोग दस बजे क्लास एंड होगी बी ओके फर्स्ट ऑर्डर ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑर्डर है अगला इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 40.5 मिनट्स फॉर 25 फाइव परसेंट डिकम्पोज कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट चलिए जी फॉर्मूला लिखिए K इज इक्वल्स टू टू अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन लेटस पुट द वैल्यूज लेटस कंदो फाइव द क्वेश्चन दिस इज टाइम टी ट्वेंटी फाइव परसेंट डिकम्पोज हो चुका है तो बचा हुआ यहाँ लिखना है हमेशा देखना कि डिनोमिनेटर में आप बची हुई कंसेंट्रेशन लेते हैं डिनोमिनेटर में आप टी टाइम के बाद जो कंसेंट्रेशन बचती है उसको लेते हैं ठीक है तो चलो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन कितना टाइम लगा है फोर्टी मिनट्स लगे हैं ठीक है फोर्टी फाइव मिनट्स लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है सौ मान लो तो

उत्कृष्ट को आंसर याद हो गया <laughs> तभी उत्कृष्ट कह रहा है कि मैम वालों को तो करा देगी। जो अभी से ज्वाइन करेंगे प्राची झा <laughs> बेटा मेरे को आजकल सपनों में भी तुम्हारा नाम आता है सच्ची बता रही हूँ मैं सपनों में भी मेरे को प्राची झा नाम का कैरेक्टर दिखाई देने लगा है कितना लर्न करवाओगी अपना नेम हा आंसर बाद में आता है चैप्टर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे इसका आंसर है सेवन पॉइंट वन इंटू टेन की पार माइनस थ्री सेवन पॉइंट वन इंटू टेन की पार माइनस थ्री और मिनट इनवर्स में आएगा क्योंकि तुमने टाइम मिनट में डाला इजी लग रहे हैं ये तीन नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा पेपर में तीन नंबर का क्वेश्चन आता है बट तो ख्याल हो गया तो, तो ऐसी में तुमको प्लस पे रहोगे, तो प्लस फिर तो ऐसी बहुत होने वाली है अब, बहुत क्योंकि एक बार हमको डायरेक्शन मिल गया प्लस फिर हम छोड़ देंगे और स्पेशल्स में भी मैं ट्राई करूंगी तुम्हारी क्लासेस लेने की शो दैट रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइन परसेंट ऑफ द टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर फिफ्टी तो बहुत ही आता है करिए बच्चों अरे वाह मैम टुडे वाज माय केमिस्ट्री एग्जाम इट वाज वेरी गुड शाबाश बेटा डन आंसर बोलो आंसर तो क्या बोलोगे शो करना चलो मैं शो करके बताती हूँ टाइम को टेन टाइम्स बताया हुआ है ठीक है तो हम टाइम नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट एंड टाइम फिफ्टी परसेंट की इक्वेशन एक, बनाते हैं okay. फॉर्मूला क्या होता है टाइम का टू पॉइंट इनिशियल हंड्रेड है और क्योंकि बनाते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो सेम रहेगा लॉग इनिशियल हंड्रेड थी क्योंकि इनिशियल हंड्रेड हो गए पचास परसेंट खत्म हो गया पचास परसेंट बच गया इसको इससे कर दो तुम तो डिवाइड तो ठीक है इसको इससे तुम कर दो डिवाइड अब इससे ये कट जाएगा ठीक है इट विल कम एज लॉग वन थाउजेंड क्योंकि हंड्रेड अपॉन पॉइंट वन होता है वन थाउजेंड तो लॉग वन थाउजेंड अपॉन ये कट जाएगा टू से तो लॉग टू लॉग टू ठीक है इज इक्वल टू लॉग वन थाउजेंड की वैल्यू होती है थ्री और लॉग टू की वैल्यू होती है जीरो मतलब कि टेन टाइम्स ठीक है यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9 परसेंट कंप्लीशन इज 10 टाइम्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय 50 परसेंट कंप्लीशन हैंड्स प्रूफ अगला करें नेक्स्ट वाला ट्राई करें थैंक यू आयुष नेक्स्ट वाला ट्राई करें जल्दी जल्दी क्विकली 12.75 अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें ये भी बता दूं द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू एक चीज मैं खाली स्लाइड लेके बता रही हूं अंग्रेजी का बहुत पंगा पड़ता है देखो अब वो कहता है कि रेट कांस्टेंट के वो गिवन कर देता है ठीक है क्वेश्चन में ये है ठीक है और सपोज करो वो टाइम पूछ रहा है तुमसे टाइम किस चीज का पूछ रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूज टू सेवेंटी फाइव परसेंट अगला है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड बाय कॉपी एक बार देखेंगे बोर्ड पे सेवेंटी फाइव परसेंट मुझे बताएं इन दोनों सवालों में आर की वैल्यू क्या है आर नॉट की वैल्यू क्या है इधर आर की वैल्यू क्या है आर नॉट की वैल्यू क्या है बताए इंग्लिश के महारथी जल्दी से बताए क्विकली जल्दी जल्दी शिवान नहीं करो बेटा थैंक यू नहीं करो हाँ हाँ आयुष मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी बेटा गुलाम कह रहे ऊपर वाले में सेवेंटी फाइव तक आ गया मैं ऊपर तो कह रही है ना हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव और नीचे नीचे वाले में हाँ हाँ मैं टाइम टेबल वो सब स्ट्रेटेजी अब लेके आ रही हूँ तुम लोग के लिए टेंशन नहीं करो तुम्हारे बोर्ड्स क्या अब आ गए हैं तीन महीने बाद है तुम्हारे बोर्ड्स मार्च अप्रैल में अब बोर्ड आ गए हैं तो मैं पूरा वगैरह सब लेके आने वाली हूँ हाँ, तो सुनिए रिड्यूस टू का क्या मतलब होता है का क्या मतलब होता है अंग्रेजी में मतलब होता है फाइनल ये अंग्रेजी बहुत रायता फैला देती है अगर ढंग से नहीं आए तो तो फाइनल यानी कि यहां पे आर, मतलब आर नॉट हंड्रेड है और आर की वैल्यू क्या है यहाँ से मैं ये उड़ा रही हूँ आर की वैल्यू क्या है सेवेंटी फाइव जबकि रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कि डिफरेंस दे रहा है वो तुमको डिफरेंस दे रहा है तो वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव ऊपर आएगी हंड्रेड सेवेंटी फाइव नीचे आएगी हंड्रेड पॉइंट ट्वेंटी फाइव जिनका इंग्लिश नामक एक भाषा में रहता फैला हुआ है जिन बच्चों का तो वो इस बात को लर्न कर लें कि अगर उसने रिड्यूस लेनल कंसेंट्रेशन है अगर उसने रिड्यूस बाय लिखा है तो वो आपको फिर माइनस करना पड़ेगा हंड्रेड में से जैसे वो सेवेंटी फाइव रहा है तो आपको ट्वेंटी फाइव लिखना है लेकिन रिड्यूस टू भी डायरेक्ट लिखना है ठीक है जिसका इंग्लिश में रहता है ओके अब ये वाला क्वेश्चन करो

चैप्टर आगे तो बढ़ेगा ही नहीं पीएचडी हो जाएगी कौन से चैप्टर में सॉलिड स्टेट में ठीक है नहीं ममता यादव ने नहीं, नहीं बोला एक और ममता ने बोला यतीश्री तुम मेरी ऑफलाइन वाली यतीश्री हो क्या 2019 बैच की है बिट्टू यतीश्री आई है इधर क्या बात है आई यू द वन फ्रॉम माय ऑफलाइन बैच ओ हाय बिट्टू कैसे हो <laughs> अरे वाह चलिए इसको करें ट्वेल्ल पॉइंट सेवेंटी फर्स्ट ऑर्डर वॉज कम्प्लीटेड इन थर्टी टू मिनट्स कैल्कुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रियाक्शन रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्व टू टू पॉइंट थ्री जीरो आर नॉट अपॉन आर ठीक है ओके यह बचेगा 2.303 अपॉन आपको क्या निकालना है के निकालना है रेट कांस्टेंट निकालना है टाइम 32 मिनट्स दे रखा है तो 32 मिनट्स इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है लॉग ऑफ 100 जब भी परसेंटेज दे रखी होती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डलती है और क्योंकि इतना तो खत्म हो चुका है 12.75% ऑफ द रिएक्टेंट वो फास्ट और कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा कितना 12.7 12.75 अगर खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा कितना तो ठीक है अब क्या करना है अब आपको सॉल्व करना है मैं आपको लॉग की वैल्यूज बता देती हूँ लॉग एटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव होता है, होता है करो फटाफट से जल्दी से स्टेट बोर्ड्स पे अभी कोई नहीं है बेटा बट स्टेट बोर्ड सीबीएसई को फॉलो करते हैं तो होना तुम्हारा भी वही है जो सीबीएसई कर रहा है जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालो फिर मैं थोड़ा सा न्यू टॉपिक पढ़ा के फिर सेशन एंड करूंगी कितना आंसर आ रहा है सिक्स पॉइंट टू सेवन स्वीट ही आंसर दे रही है रेट कांस्टेंट निकालना है आपको लॉग हंड्रेड टू होता है लॉग हंड्रेड जो है वो टू होता है बेटो जितने जीरोज हैं वो उसका आंसर होता है करो फटाफट ये इस टाइप इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है और एक एज निकलवाऊंगी हड्डी वड्डी की थैंक यू थैंक यू एसपी फैक्ट्स थैंक यू बेटा मैक मदान का आ रहा है जीरो पॉइंट वन थ्री सी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन थर्टी टू हंड्रेड होता है टू माइनस वन पॉइंट नाइन फोर ठीक है इसको करो जरा कितना आ रहा है मेरे पास जो रिपोर्टेड आंसर है वो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री वन देखो एक बार यही आ रहा है क्या फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन हाँ हेमंत का आ गया ना फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन की पर माइनस टू ठीक है हाँ एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये हो गया इसको तुम होमवर्क में कर लेना ठीक है इजी सा है सेम टाइप का है और ये करो ये क्वेश्चन बहुत अब तुम्हारे तो देखो वैसे भी जो अभी फर्स्ट टर्म आ रहे हैं ना बोर्ड्स के जो सीबीएसई एस ई पेपर बना रहा है तो मैं अभी वीडियो में पूरा क्लियरली बताऊंगी तुमको लेकिन उसमें मैं अभी इतना बता दूं केस स्टडी सर्च रीजन ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा आएंगे वही आएगा करो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ऐसे ऑप्शंस देके वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे The rate constant for radioactive decay of C14 is this an archaeological artifact containing wood had only 18% or 80% of the C14 found in living tree age of the sample. Is same type ka hai objective question hai. Quickly do it. Thank you, Sohani. यस yes, सितेश अभी फर्स्ट टर्म वाला तो और ये जो नेक्स्ट टर्म है उसको ये टू आवर्स का प्लान कर रहे हैं उसका बारे में अभी कुछ बता नहीं रहे हैं पर अभी ये कह रहे हैं जो पहला वाला बोर्ड है उसमें तो सिर्फ ये लोग ऑब्जेक्टिव और असरशन um, रीजन और केस स्टडी देने वाले यस सीबीएसई विल कंडक्ट टू बोर्ड्स दिस ईयर एग्जैक्टली अमन सिंह दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू 5:30 आ रहा है 5:30 तो नहीं आना चाहिए विरल गुप्ता हाँ मैं करके दिखाऊँ आपको चलो मैं करके दिखाती हूँ द रेट कॉन्स्टेंट के फॉर अ रिएक्शन के की वैल्यू दे रखी है ठीक है के की वैल्यू दे रखी है ये रही ठीक है तो हो जाएगा आपको निकालना टाइम तो टी इज इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अच्छा एक बार बताना फॉर्मूला याद हो गया क्या मेरे को एक बार ये बता दो फार्मूला याद हो गया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना बता मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ तुम लिखा करो कॉमेंट्स कि भाई प्रैक्टिस अच्छी रहती है या और प्रैक्टिस कराओ या फिर ऑलरेडी इनफ है या जो भी है तुम लिखा करो मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ सेशन के बाद टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन दिस रेट कॉन्स्टेंट वन पॉइंट टू वन टेन की पार माइनस फोर ईयर इनवर्स ईयर इनवर्स लॉग ऑफ एट्टी परसेंट बचा है देखो ध्यान से पढ़ना इसको कहीं ट्वेंटी वन डाल देना जिकल आर्टिफिक वही लकड़ी का टुकड़ा हड्डी का टुकड़ा उसमें क्या है सिर्फ अस्सी परसेंट बचा है जिंदा के हिसाब से तो ये हंड्रेड हो गया ये एट्टी हो गया ठीक है इसको हम बोलेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टेन की पर फोर मैं ऊपर ले गई अपॉन वन पॉइंट टू वन डायरेक्ट ईयर्स में आंसर आएगा लॉग हंड्रेड होता है टू माइनस लॉग एट्टी अच्छा ये जीरो से जीरो काट लो तो वन में से ही करना पड़ेगा फिर तो जीरो से जीरो हटा लेते हैं हम तो वन में से ही करना पड़ेगा तो लॉग टेन क्या होता है वन और लॉग एट होता है पॉइंट नाइन तो जीरो आंसर आ रहा है बी यस बी इज द करेक्ट आंसर तो इस तरीके के क्वेश्चन अब बोर्ड्स में आने वाले हैं तुम्हारे अपकमिंग जो बोर्ड आने वाले हैं ठीक है तो अब हाफ लाइफ बोलो नेक्स्ट क्लास में पढ़े आज पढ़ने क्या टाइम हो गया फिर आप पढ़ सकते हैं हाफ लाइफ हाफ लाइफ पढ़ लें हाँ बेटा मैं में करवा दूंगी यस यस पूजा सीबीएसई इज कंडक्टिंग टू बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर सीबीएसई इज कंडक्टिंग टू बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर नाइनटीन हंड्रेड ये आंश इज ऑल्सो देयर नेक्स्ट क्लास और दिस क्लास चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हाफ लाइफ पढ़ते हैं ठीक है तो हो गया अब सीधा मैं से ही करूंगी। ठीक है हाफ लाइफ थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और सुडो फर्स्ट ऑर्डर करवाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कर लेंगे दिस वुड बी आर नेक्स्ट क्लास एंड बग्स बुनटी है बेटा अपने लर्नर्स कि अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट जरूर कीजिए उसको एंड कॉम्बैट uh, जो है वो ये तो हो ही चुका है सॉरी डाउनलोड नोट्स एंड जस्ट स्कैन ये क्यू आर कोड जो है इसको स्कैन uh, करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एल्कोलफिनॉल ईथर्स का लेक्चर नंबर सिक्स हमारा लग चुका है uh, अगला लेक्चर एल्कोलफिनॉल ईथर्स का और ये होने वाला है कब ये होने वाला है दो बजे ठीक है एंड एम बी लाइव कोड से आप इसको क्या कर सकते हैं इसको ये बिल्कुल फ्री सेशन है इसको आप ओपन कर सकते हैं

और आपको जो कनेक्शन फील होगा ना टीचर से वो ज्यादा फील होगा देखना आप यहाँ लैग होता है थर्टी फोर्टी का वो नहीं होता वहां पे वहां पे मैं बोलूंगी तो तुम आंसर तुरंत दोगे यहां मैं बोलती हूँ तो मैं वेट करती हूँ कई बार बोलती हूँ ना बच्चों चलो इसका आंसर दो उसके का थर्टी बाद तुम्हारे पास वो बात पहुंचती है तो आप ऐप आप पे आपके देखिए ऐप आप पे अपना ऐप डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो मुझको फॉलो कर लो और स्पेशल क्लासेस जो है वो खोल लो आज ऑलरेडी आ चुका है अनलिमिटेड आप डाउट पूछ सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने चाह रहे हैं तो ले लीजिए क्योंकि दो बोर्ड एग्जाम है और अब हमें तो पता लग गया तो हम प्लस पे आप एकदम धमाल तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि सी बी एस ई विल बी कंडक्टिंग टू बोर्ड एग्जाम दिस ईयर तो जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए प्लस प्लेटफॉर्म पे भरसर कोशिश करने वाले हैं हम मैं ढेर सारे रीजन कराने वाली हूँ ढेर सारे मैं केस स्टडी कराने वाली हूँ प्लस पे हम ये सब बहुत ज़्यादा करेंगे बहुत ज़्यादा तो इसमें भी मैं पूरा ट्राई करूंगी यूट्यूब स्पेशल्स में भी बट प्लस पे हमारी अलॉटेड क्लासेस होती हैं प्लान्ड क्लासेस होती हैं प्लान्ड कोर्सेज होते हैं तो प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है तो वहां पे हम बहुत ज्यादा करेंगे और अब तो मैं होमवर्क में भी ये सब चीजें बच्चों को दूंगी ताकि उनके फर्स्ट वाला जो बोर्ड है वो बहुत शानदार हो जाए तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आपके डाउट क्लियरेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा ये जो टेस्ट है ना टेस्ट अब ये टेस्ट मैं बनाऊंगी उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम आएगा वैसे ही बनेंगे ये वाले प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह ठीक है एंड जरूर से मैं कहूंगी कि सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा है और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं आइकॉनिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है जो कि प्रॉम्प्ट डाउट सॉल्विंग करता है वीकली रिपोर्ट टाइम टेबल शेड्यूल पेरेंट्स से बात करेगा आपसे बात करेगा मतलब एक्सक्लूसिव आपके हिसाब से तो ये आइकॉनिक आप ले सकते हैं मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ मेरा टाइम छः से सात का है और मैं ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे पढ़ाती हूँ बच्चों मतलब मैं कहूंगी कि अगर ले सकते हो तो ले लेना क्योंकि मैं बहुत सारा केस स्टडी और सर्शन रीजन अब भरने वाली हूँ प्लस में बहुत प्रैक्टिस होने वाली है एंड आई आई टी जे नीट एग्जामिनेशन का अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं ऐसे टीचर्स से पढ़ना जो कि बहुत ही इंडिया के माने हुए टीचर्स हैं जिनसे पढ़ने के लिए आसान नहीं है जिनसे कोचिंग लेना तो उनसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक साल का ये वाला ले सकते हैं और ये थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी में आता है एम बी लाइफ कोड अप्लाई करने के बाद नो कॉस्ट ई ऑप्शन है बहुत नॉमिनल्स है लेस देन थ्री थाउजेंड मंथ ऑल सब्जेक्ट्स लेस देन थ्री थाउजेंड मंथ ऑल सब्जेक्ट्स

तो तेरह हजार पाँच सौ में नॉट अ बैड डील आपको बहुत डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स मिलेंगे और अभी जो हालत चल रही कोविड की ऑफलाइन का तो कोई सीन नहीं है और कोई अभी अलाउड भी नहीं ऑफलाइन कोचिंग ठीक है कोई बुला रहा है तो भी रिस्क में बुला रहा है और थर्ड वेव आ गई तो फिर लफड़े पड़ेंगे फिर तुम ज्यादा फीस भर के ऑफलाइन एजुकेटर से ऑनलाइन पढ़ाई करोगे इससे बढ़िया ऑनलाइन की फीस भर के ऑनलाइन पढ़ाई करो तेरह हजार पाँच सौ में ऑल सब्जेक्ट एंड बहुत अच्छे एडुकेटर्स है ट्रस्ट भी सारे वही एडुकेटर्स है जिन्होंने सालों ऑफलाइन पढ़ाया है तो टच तो तुमको वही मिलेगा सिर्फ फीस कम लगेगी ठीक है नोट्स वोट्स सब मिलेंगे तो ये आपका ये ले लें एंड रेफरल कोड एम बी लाइफ को बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू बच्चों मैं आप वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ठीक है तो चलो बाय बाय सेशन को लाइक करना शेयर करना और जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगी उसको भी लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल फोड़ देंगे हम बोर्ड एग्जामिनेशन को लेट्स क्रैक इट बाय बाय

हाफ लाइफ से पहले बाय करने मत देना तुम लोग मेरे को एनसीआरटी से पह, ये हाफ लाइफ से पहले पहले का सारा एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट कर लो ये क्वेश्चंस कर लेना तुम ये टेब्यूलर क्वेश्चंस है 4.10 4.11 4.12 ये तीनों करना पीछे एक्सरसाइज का और उसके अलावा 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 ये चार 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12. दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज में से ठीक है चलो बाय 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 बाय